दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों जहां पर लक्ष्मी के लिए इस समय आखिरकार विक्रांत को एक्सपोज करने वाला था इस समय आयुष, लेकिन ऋषि ने नहीं माना, क्योंकि दोस्तों इस समय ऋषि से बोल दिया है विक्रांत ने कि तुम लोग मेरे पे शक कर रहे हो क्या, जिनके घर पर मैं आया हुआ हूँ वो मेरी जानने वाली है, वहाँ पर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या किसी फ्रेंड के घर पर आना कोई पाप है या कोई गुनाह है। आप लोग जानते हैं कि इस समय विक्रांत ने बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि दोस्तों वो प्लानिंग करने में एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ऋषि को किसी भी तरीका से विक्रांत पर शक नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी की बहन सालू और आयुष बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं कि ये बंदा बहुत बड़ी साजिश खेल रहा है विक्रांत, क्योंकि विक्रांत इतना अच्छा है लड़का है नहीं जितना ये सभी को लगता है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ही ये सब काम करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ आप लोग देख पाएंगे कि लक्ष्मी से ऋषि बोलता हुआ नज़र आएगा कि लक्ष्मी अगर तुम्हारी खुशी विक्रांत के साथ में है तो चलो तुम विक्रांत के साथ ही रह लो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में हमेशा खुश था, खुश हूँ और हमेशा खुश रहूँगा। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी के गले में अब एक मंगलसूत्र है। जी हाँ, वो मंगलसूत्र किसी और का नहीं है बल्कि वो सीधा सीधा ऋषि का है। हालांकि दोस्तों लक्ष्मी ने ये बात सिर्फ और सिर्फ दादी को बता रखी है और ये बात सिर्फ और सिर्फ ऋषि को पता है, बाकी किसी को ये बात अभी तक पता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए विक्रांत की, तो विक्रांत लक्ष्मी से प्यार व्यार कुछ नहीं करता है, सिर्फ एक धोखा देने की प्लानिंग है। वहीं दोस्तों मलिष्का इस समय टेंशन में है कि क्या ऋषि और लक्ष्मी के बीच में आज भी कुछ है क्या, क्योंकि दोस्तों वो धिंगामुस्ती सोचती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों ऋषि उसकी किसी भी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा और ना ही ऋषि उसकी बात में कोई इंटरेस्ट लेना चाहता। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा।